बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। देवराज स्नान संध्या नहीं करता था और उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वही ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक बाह्मण देवता शिवजी की कथा सुना रहे थे। ज्वार में पड़ा देवराज अपने पापों को याद करता बाह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर बुखार की पीड़ा को सहता हुआ चला बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण सेवक आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, सपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी जो उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को वहां से वापस लौटा दिया और देवराज को अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गए और ब्राह्मण देवराज को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। इतना केवल उसके शिव कथा को सुनने से हुआ था। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शिव पार्षदों ने उसको यमपुरी से निकालकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। भगवान शिव ने साक्षात उसे दर्शन दिए और फिर उसे अपने धाम में स्थान दिया। इस कहानी से हमें यह सार मिलता है कि भगवान शिव का हृदय सच में बहुत बड़ा है। वो अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि सच्चे हृदय से भगवान की कथा सुनी जाए तो शिवजी उन मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, शिवपुरी में स्थान देते हैं।